Friends, welcome in the lecture series on periodic properties, and this is part 9 where we will discuss about the methods for determination of electronegativity. तो बच्चों आपका स्वागत है इस periodic properties की लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं और यहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे. द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इससे पहले लेक्चर में हमने विद्युत ऋणात्मकता के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम विद्युत ऋणात्मकता को डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स यूज करके. पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो होगा पॉलिंग स्केल. पॉलिंग स्केल जो कि 1932 में पॉलिंग ने दी थी ये मेथड, इस स्केल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये जो स्केल है, दिस इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी. ये बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड स्केल है. According to Pauling, the electronegativity is the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons. So, Pauling के according जो atom है वो molecule में वो अपनी ओर electron को जो attract करता है उसकी power को हम क्या कहते हैं, electronegativity कहते हैं. और ये scale किसके ऊपर based है, bond energy के ऊपर based है. पर हमने जो एग्जांपल दिखाया, देखिए A2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है B2 मॉलिक्यूल से और ये बना रहा है AB मॉलिक्यूल. मतलब A2 जो है वो होमोन्यूक्लियर है, B2 होमोन्यूक्लियर है, ये एक हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसी जनरेट कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू पाउलिंग क्या होता है कि ये जो स्पीसी जनरेट हो रही है जो कि हेट्रोन्यूक्लियर है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, दिस इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये क्या है, जो जो बॉन्ड एनर्जी है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हमेशा अधिक होती है. जो मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी ज्योमेट्रिक मीन से, तो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिएक्टेंट्स बॉन्ड एनर्जी, इनके रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा कम होता है प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी से. तो ये जो डिफरेंस होता है, देखिए EAB अधिक है और ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये कम है. तो इस बॉन्ड एनर्जी और जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, इसे कहते हैं आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, जिसे डेल्टा AB से दिखाते हैं. डेल्टा AB इज द आयनिक रेजोनेंस एनर्जी. ओके, अब अगर हम देखेंगे जो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी होती है, अगर हम उसे देखें तो ये एडिटिव नेचर की नहीं है. जैसे अगर हम कहेंगे कि डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC ये कभी भी डेल्टा AC के इक्वल नहीं होता है. ओके, लेकिन अगर हम इस रेजोनेंस एनर्जी का अंडर रूट लें तो इसके जो अंडर रूट होते हैं वो एडिटिव होते हैं. मतलब जो अंडर रूट ऑफ डेल्टा AB प्लस अंडर रूट ऑफ डेल्टा BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा AC. तो जो अंडर रूट डेल्टा AB है, यानी आयनिक रेजोनेंस एनर्जी का जो अंडर रूट है वो एडिटिव होता है. इसलिए हम क्या लेते हैं, हम इस आयनिक रेजोनेंस एनर्जी के अंडर रूट को कंसीडर करते हैं. इसको हम लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, तो इसका हमने रूट कर दिया. क्यों, क्योंकि ये एक एडिटिव वैल्यू है. तो इसको हमने, क्योंकि ये और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस था ये डेल्टा AB के बराबर था, तो डेल्टा AB का जो रूट होगा वो इस पूरे रूट के बराबर होगा. ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज बनी है इसकी वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है. हेट्रोन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है. तो ये जो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी का जो रूट होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स. ये आयनिक रेजोनेंस एनर्जी किसकी वजह से है,
ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से ये आयनिक रेजोनेंस एनर्जी है, इसलिए डेल्टा ए बी का जो रूट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम दिखा सकते हैं के हमने एक कॉन्स्टेंट रखा है और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी. अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग के की वैल्यू होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो काई ए माइनस काई बी होता है ये इक्वल्स टू के अंडर रूट डेल्टा ए बी. डेल्टा ए बी क्या है? जो बॉन्ड एनर्जी जो प्रोडक्ट की है माइनस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिएक्टेंट्स बॉन्ड एनर्जी. ओके, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? काई ए माइनस काई बी. और अगर हमें किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो तो हम दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसानी से निकाल सकते हैं. अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो ये के की वैल्यू अलग अलग है. देखिए यहां पर के की वैल्यू 0.102 और 0.1017 हो सकती है, के की वैल्यू 0.208 हो सकती है, के की वैल्यू 0.182 हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि ये जो अंदर जो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या है. अगर बॉन्ड एनर्जी की यूनिट किलो कैलोरी पर मोल है तो फिर जो के है जो फैक्टर है वो 0.182 है. अगर ये जो ई है अगर किलो कैलोरी में हमने लिया है और हमें इसको ईवी में कन्वर्ट करना है तो हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? 0.208 से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर ये जो बॉन्ड एनर्जी है अगर ये किलो जूल पर मोल में है तो फिर हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? 0.102 और 0.1017 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं के की वैल्यू, ताकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो सेम आए, चाहे बॉन्ड एनर्जी किलो जूल में हो या बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में हो या हमें उसको ईवी में कन्वर्ट करना हो. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है तो वो सेम आनी चाहिए. अगर सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कुछ है तो वो हमेशा किसी भी फॉर्मूले से हम रखें वो सेम आनी चाहिए. ऐसे ही अगर हम देखें फ्लोरीन की है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई वैल्यू है तो वो किसी भी फॉर्मूला से हम करें वो सेम आनी चाहिए. तो डिफरेंट फैक्टर इसलिए हैं क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए ये डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी, एक या दो एग्जाम्पल के साथ, कि कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन फॉर्मूलाज को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बॉन्ड एनर्जी दी है EHH बॉन्ड की, ये कितनी दी है? 104.2 किलो कैलोरी पर मोल. तो हमें ये दिया हुआ है. ओके, देन हमें दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये है 83.1 किलो कैलोरी पर मोल. ओके, देन हमें दिया हुआ है ECH, जो बॉन्ड एनर्जी है CH बॉन्ड की वो दी है 98 किलो कैलोरी पर मोल. ओके, ये भी हमें दिया है. और हमें क्या दिया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन दी है जो कि 2.1 है. हमें निकालनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्या होगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है. अब देखिए सारी वैल्यूज हमें दी है किलो कैलोरी पर मोल में, तो हम जानते हैं कि जो काई सी माइनस काई एच होगा इट इज इक्वल्स टू 0.182. किसमें है ये एनर्जी? किलो कैलोरी पर मोल में का रूट. ओके, देन किसकी बॉन्ड एनर्जी आएगी? ई. कौन सा बॉन्ड बन रहा है? H2+C2 इज इक्वल टू CH बन रहा है. ओके, तो CH की बॉन्ड एनर्जी माइनस EHH इंटू ECC इसका हाफ, इसका रूट. ओके, तो ये हमारा वैल्यू आएगी और ये कितनी होगी? ये हो जाएगी 0.43. हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो काई सी माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.43. सो काई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.53. तो इसका मतलब जो कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 2.53. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं कैलकुलेट? हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं.
मैं आपको और दूंगी इसका पॉलिंग से कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मेजर करते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईवी में दी हो, देखिए अगर मुझे दिया हो कि जो जो काई की वैल्यू है काई सीएल माइनस काई एफ, ओके, इसकी वैल्यू है 61 किलो कैलोरी पर मोल, ओके, अब मैं ये यूनिट नहीं लिखूंगी। देन काई एफ एफ बॉन्ड की जो है काई एफ एफ बॉन्ड की जो होगी वो है 38 किलो कैलोरी पर मोल। देन काई हमें दिया है सीएल, काई सीएल वो हमें दिया है 58 किलो कैलोरी पर मोल, और हमें दिया हुआ है काई दी है हमें एफ की 4 ईवी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ईवी में जो है वो सीएल की काई निकालिए, ओके, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीएल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे, ओके, डेल्टा क्योंकि हमें पता है कि काई सी एफ माइनस काई सी एल इज इक्वल टू 0.208 रूट डेल्टा, क्योंकि इसको हमने ईवी में कन्वर्ट करना है। तो ईवी में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा करेंगे, और यहां पर देखिए जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट होके क्या आएगी, यहां पर कैलकुलेट होके आएगी 0.78, ओके। हमें एफ की पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम किसकी निकाल लेंगे, हमें किसकी निकालनी, सीएल की। तो काई सीएल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3.22 ईवी। तो इस तरीके से हम देखिए डिफरेंट फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, काई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं, और अगर हमें दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी तो हम ये कर सकते हैं, नहीं तो पॉलिंग स्केल जो है वो है फॉर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब तक हमको एक एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं होगी, हम दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिंग स्केल, नंबर वन इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी को डिटरमाइन करना ही अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। और दूसरा आप देखेंगे कि ये जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसको निकालना बड़ा कठिन काम है। और तीसरा एक डिसएडवांटेज और है कि यहां से जो हम कैलकुलेट कर पाते हैं वो होती है डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम तभी बता पाएंगे जब हमें दूसरे एक एटम की हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी, केवल तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So these are the disadvantages of Pauling scale. To the Mulliken scale. अब हम देखेंगे Mulliken scale को, जो कि 1934 में दिया था Mulliken ने, और ये based है on ionization energy and electron affinity के ऊपर ये based है। तो ये जो method है ये Mulliken ने दिया था, देखिए हम इसको किस तरीके से explain कर सकते हैं। यहाँ पर केवल जो use हुआ है वो ionization energy and electron affinity का use हुआ है। अब देखिए हम दो एटम्स को लेते हुए चल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि एक हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज बन रही है। तो यहां पर अगर हम माने हमारे पास एक एटम है ए, दूसरा है पी, तो हमने ये माना है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक है। तो क्या होगा, यानी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगी, ओके, यानी जो एनर्जी यूज होगी या मतलब जिस एनर्जी टर्म को हम यूज करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी, ए की, ओके। अब आइए एक्स बी, क्योंकि बी की जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों एटम्स में कंपेयर करें तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म का यूज करेंगे, और अगर बी जो है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बी इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। यहां पर जो हम टर्म यूज करेंगे वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो बी की क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, और ए की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके।
तो अब आप देखिए हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना, a माइनस बी प्लस, इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर रिलीज होगी और आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगी। तो चेंज इन एनर्जी क्या मिलेगा हमें, IeB - EAA, ये हमें क्या मिलेगा, चेंज इन एनर्जी। अगर ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। लेट्स सी दी अनदर केस, एक दूसरा हम केस देखें और ये मान के चलें कि जो बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम अगर होगी तो ये दूसरी सिचुएशन है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकता है, तो यहां पर जो एनर्जी टर्म हम यूज करेंगे वो क्या है, ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा बट इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। तो यहां पर जो टर्म यूज होगा वो होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, ये किसका होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए यूज होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए IeA ये जुड़ेगी एनर्जी प्लस ए प्लस बी, लेकिन यहां पर क्या होगा, ए जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और बी माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूल क्रिएट होगा यहां से भी पता चल रहा है आपको कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और ए की क्या है, कम है, तो ए प्लस बी माइनस टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एनर्जी चेंज अगर हम यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, IeA - EAB, ए की तो आयनाइजेशन एनर्जी है और बी की क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक सिचुएशन हम और देखेंगे, थर्ड सिचुएशन, अगर डी और ए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो तो क्या होगा, तो जो हमने पहले एनर्जी चेंज निकाला था जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक थी और दूसरा हमने एनर्जी चेंज निकाला था जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक थी, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक नई इक्वेशन हमें मिलेगी, वो क्या मिलेगी, IeA + EAA इज इक्वल टू EA - B प्लस IeB, ये हमें एक नया मिला है, एक रिलेशनशिप, और यहां से हम बता सकते हैं कि ये जो आया है IA + EA यानी ये ए के एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, ये ए के एटम की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो दो एटम इसमें यूज हुए हैं, एक इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी के लिए और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, तो हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगी कि जो काई ए है ये क्या हो जाएगी, IeA + EA / 2, क्योंकि ये दो एटम की वजह से है, दो ए एटम की वजह से, ए की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी है, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इसी तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि काई बी इज इक्वल टू IeB + IeAB / 2। तो अब हम ये कह सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि IE यानी आयनाइजेशन एनर्जी किसमें होती है, पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें होती है, नेगेटिव में। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी अधिक होगी और जितनी ये जो EA है वो अगर कम भी हो, अगर वो माइनस में कम भी होगी तो भी ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी, लेकिन क्या होगी, कम तो होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। अगर ये IE जो है वो बहुत अधिक है, अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक है और ये बहुत, ये जो EA की वैल्यू है ये क्या है, अगर A एटम की अगर हम कहेंगे ये बहुत कम है तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर हमेशा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये पॉजिटिव में ही आपको दिखाई देगी, तो या तो ये बहुत कम होगी या ये बहुत अधिक होगी। तो मुलिकिन ने जो रिलेशनशिप दी वो सिंपली उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उस पर्टिकुलर एटम की आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है। तो देखिए यहां पर हमें बॉन्ड एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं, हम ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं या बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं।
तो मुलिकन स्केल है उसको हम अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि काई ए जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी एंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका एवरेज है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी ईवी में कैलकुलेट होगी। अगर ये वैल्यू हमें किलो कैलोरी पर मोल में चाहिए तो फिर हम इसको 62.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें किलो कैलोरी पर मोल में ये मतलब जो अगर ये यूनिट्स इक्वल एक्चुअल में जो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ये किलो कैलोरी पर मोल में है तो हमें 62.5 से डिवाइड करना होगा इस इक्वेशन को। अगर इनकी वैल्यू ईवी में है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो हम केवल 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें पता है एक रिलेशनशिप है जो मुलिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पॉलिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 2.8 अधिक होती है, तो इसको कंपनसेट करना है। देखिए ये नहीं जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आए वो उतनी ही आए, अगर फ्लोरीन की 4 आती है तो चाहे हम मुलिकन की स्केल से उसे कैलकुलेट करें या हम उसको पॉलिन की स्केल से कैलकुलेट करें, इट शुड बी नियर 4, उसको 4 के आसपास ही आना है, तो बदल नहीं सकती, ये हम नहीं कह सकते मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो अलग आएगी और पॉलिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग आएगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा 2.8 अधिक आएगी, तो उसके लिए हम क्या करें, बहुत सारे फॉर्मूले बनाए गए इसके लिए। देखिए एक फॉर्मूला बनाया गया कि अगर हम जो एवरेज है उसको 2.8 से डिवाइड कर दें और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट है अगर ईवी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, पॉलिंग स्केल के समानांतर हम मुलिकन स्केल पर भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम इसको 5.6 फैक्टर से भी डिवाइड कर सकते हैं 2 into 2.8। तो एक तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन इससे भी वैल्यू जो है वो बहुत ठीक नहीं आई, तो उसके बाद एक नई इक्वेशन दी गई, वो इक्वेशन ये है कि काई ए इज इक्वल टू 0.374 एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 0.17, जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट है वो ईवी है। तो ये जो इक्वेशन है इससे बहुत नियर आई मुलिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दे आर मोर नियर टू द पॉलिंग्स स्केल। ओके, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल पर मोल में हो तो फिर ये इक्वेशन यूज की जाती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वैसे मुलिकन के अकॉर्डिंग क्या है, एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन उस को जो मुलिकन स्केल है उसको पॉलिंग स्केल के पास लाने के लिए ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एक सी आए, तो उसके लिए उन फॉर्मूलाज में मॉडिफिकेशन किए गए, और ये फॉर्मूलाज में जो मॉडिफिकेशन है दैट आर अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर ये ईवी है तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, अगर ये किलो जूल पर मोल है तो इस फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर हमें दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी दी है, हमें आयनाइजेशन एनर्जी अगर फ्लोरीन एटम की दी है और वो कितनी दी है 17.41 ईवी, ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन की हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दी हुई है और वो है 3.45 ईवी, और इसके लिए हमसे कहा जाए कि इसकी जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कीजिए, तो अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो सही नहीं आएगी क्योंकि वो केवल मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इसको करेक्टली निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने यूज किया इज इक्वल टू 0.374 फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन अपॉन 2 प्लस 0.17, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
4.07 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो मॉडिफिकेशंस हैं इसकी हेल्प से बिल्कुल 4 के आसपास हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिलती है, क्योंकि ये चाहे मुलिकन स्केल हो, चाहे पॉलिंग स्केल हो, चाहे कोई और स्केल हो, तो उन सब ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 के आसपास ही आनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसको चेंज करने के लिए हमने ये एक इक्वेशन पढ़ी, डिफरेंट इक्वेशन, अगर इन दोनों की वैल्यू यानी आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसमें हो, ईवी में हो, तो हम इस फॉर्मूला से उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट के आसपास वैल्यू आ जाती है। मुलिकन स्केल के जो फायदे हैं वो तो ये हैं कि मुलिकन स्केल की हेल्प से हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर एटम की, जबकि हमें दूसरे एटम की जरूरत नहीं है कि हमें वो पता हो, हमें केवल क्या पता होना है, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस उसकी हेल्प से हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यूज। बस एक डिसएडवांटेज है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये वेरी करती है विद द नेचर ऑफ वैलेंस स्टेट, ये वैलेंस स्टेट के साथ वेरी करती है इसकी वैल्यू। Now, the third scale is of Allred and Rocho scale, and this scale is based on the covalent radii. ये किस पर डिपेंड कर रही है? कोवेलेंट रेडियाई पर, और ये दी गई 1958 में Allred and Rocho के द्वारा। इसके थ्रू आप देखेंगे हमको केवल जेड इफेक्टिव चाहिए और एटमिक रेडियाई चाहिए। अगर हमारे पास ये होंगी तो हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, एप्सिल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेड की, लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये क्या होगी। ओके, इसके लिए हमें क्या दिया गया है? इसके लिए हमें दिया गया है कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ लेड है वो है 82। ओके, और हमें दिया गया है जो आर है लेड की, यानी जो रेडियस है वो है 1.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये दो डाटा सफिशियंट हैं जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं काई ऑफ लेड, यानी ये क्या होगी। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें अगेन, तो फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है 0.359। ओके, 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर इंटू प्लस 0.744। अब हमें इसके लिए जेड इफेक्टिव पता होना चाहिए। जेड इफेक्टिव के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सिग्मा, और सिग्मा के लिए हमें पता होना चाहिए इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ठीक है, 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14 देन 5s2 5p6 एंड 5d10 देन अगेन 6s2 6p2। तो लेड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। अब इसमें क्या करेंगे हम? ग्रुपिंग कर लेंगे। क्या करेंगे हम? 6 जिनका n है वो एक ग्रुप में आ गए, उसके अंदर n माइनस 1 का एक ग्रुप बना देंगे। हमें p में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वहां की बात हम कर रहे हैं, और पूरा एक रेस्ट ग्रुप एक बन जाएगा इनर ऑर्बिटल का। तो अब यहां पर जो हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे वो पेरीफेरी के लिए करेंगे। ओके, तो पेरीफेरी में हम क्या करते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। पेरीफेरी को हम यूज करते हुए सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, यहां पर एस या पी के नहीं करेंगे बल्कि पेरीफेरी का करेंगे, इंटू 4। ओके, प्लस जो यहां एन माइनस 1 में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 4 इंटू 0.35 प्लस 18 इंटू 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0.85 प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए कितने हो गए? 60 और इंटू 1
तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा कैलकुलेट आएगा। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आती है वो आती है 76.70। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 82 - 76.70, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.30। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसकी काई की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास जेड इफेक्टिव आ गया, कितना आया 5.30। आर आ गया हमें, आर हमें दिया हुआ है 1.353 एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या निकाल सकते हैं, काई ऑफ लेड। और ये कितना कैलकुलेट होके आता है, ये कैलकुलेट होके आता है 1.55, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेड इज इक्वल टू 1.55। केवल हमें दो डाटा की जरूरत है, एक एटॉमिक नंबर और एक रेडियाई की। तो इजीली हम 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744 की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर एटम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑलरेड एंड रोचो के स्केल पर भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स कंक्लूड द लेक्चर। अब हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, और इसमें हमने क्या पढ़ा, हमें क्या सीखने को मिला। इस लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंट स्केल्स जिनके बेसिस पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉलिंग स्केल आपने देखी, जो कि बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड थी, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कैलकुलेट किया, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या जरूरी है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमें जरूर पता होनी चाहिए। फॉर्मूलाज आप यहां पर देख रहे हैं, जिससे की हेल्प से हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ दिस आयनाइजेशन और यूनिट ऑफ दिस बॉन्ड एनर्जी। उस बॉन्ड एनर्जी की यूनिट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेशन। स्केल हमने पढ़ा, वो पढ़ा मुलिकन स्केल, और वो किस पर बेस्ड था, वो बेस्ड था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड था। और इसमें आपने देखा कि जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इट इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट इसको इक्वलाइज करने के लिए, क्योंकि जो मुलिकन स्केल आती है वो 2.8 अधिक होती है पॉलिंग स्केल से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए गए। और इसमें से सबसे सही जो फॉर्मूला, जिससे एग्जैक्टली कैलकुलेट सही ओके जो आती थी, वो इक्वेशन ये है। जो हमने थर्ड मेथड देखा वो था ऑलरेड एंड रोचो का मेथड, और जो रोचो मेथड है वो किस पर बेस्ड था, कोवेलेंट रेडियाई के ऊपर बेस्ड था। और इसके अकॉर्डिंग आपने देखा, वी कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम दैट इज बेस्ड ऑन जेड इफेक्टिव एंड आर। तो अगर हमें एटमिक नंबर पता होगा, रेडियस पता होगी, तो हम आसानी से एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is all about the electronegativity methods, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपने देखा कि डिफरेंट एग्जाम्पल से हम किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज करके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच।